हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के शिक्षकों की नई भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे चरण में तीन लगातार भर्तियाँ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग में, और इसमें जो है 500 पद पर जो है तीसरे चरण में भर्ती होंगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर दी शिक्षा मंत्री ने, एक बड़ा ऐलान करा है, चलिए जानते हैं इसकी डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में फिर से शिक्षकों की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी नवंबर में। इसके लिए शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने बताया गया है कि 500 पद पर जो है यहाँ पर नवंबर में और बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो दोबारा से ही नई भर्ती होगी, अभी वर्तमान समय में 2917 पद पर चली हुई है, 500 पद पर जो है नई भर्ती मिलेगी। राज्य में बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तीन चरण भी होगा, तो यहाँ पर देखिए तीसरा चरण भी कर दिया जाएगा, और सरकार जो है नवम्बर में करीबन 500 पदों पर जो है एक और भर्ती करने जा रहा है। इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है सोमवार को शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने इसकी पुष्टि कहा है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 1917 पद पर निकाली जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है बताया गया कि दूसरे चरण में 451 पद और तीसरे चरण में 500 पद, और तीन चरण में भर्ती आएगी। यानी कि आपके लगातार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, एक तो आपके यहाँ पर अभी देखने को मिल रही भर्ती है, उसके बाद यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में मिलेगी, उसके बाद नवंबर में तीसरे चरण की भर्ती होगी 500 पद पर। तो लगातार तीसरी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, और ये तीसरी भर्ती जो है आपके शिक्षकों की, शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है इन पदों की भर्ती की रिगार्डिंग, जो कि तीन चरण में भर्ती होगी, ऐसा यहाँ पर इनका द्वारा कहा गया।